कराची में गन कल्चर और गार्ड कल्चर जोर पकड़ता जा रहा है। एक तरफ तो लोग चोरी और डकैती की वारदातों से परेशान हैं, तो वहीं एक इलीट तबके में गन कल्चर और ताकत का बाजार गर्म है। ताकत के जोर पर आए रोज इस तरह के वाकयात रूनुमा होते दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक वाकया डिफेंस के इलाके सीवी रोड फेज 5 पर पेश आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि जिम से निकलने वाले नौजवान पर सियासी शख्सियत के बेटे के सिक्योरिटी गार्ड ने पीछे से वार किया। कैसे एक आम शहरी पर बंदूक बरदार अपनी ताकत का जोर आजमा रहे हैं। एक राह चलते आम शख्स पर बंदूक बरदार गार्ड ने धावा बोल दिया। हथियारों, मुक्कों, लातों से नौजवान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन सियासी शख्सियत के बाअसर बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। FIR में जान से मारने की कोशिश, तशद्दुद और दीगर दफात शामिल है। मुद्दई ने बयान भी रिकॉर्ड करा लिया है, मगर अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। कुछ रोज पहले भी डिफेंस के इलाके खैबाने निशात में बुक्ती कबीले के 6 अफराद गन कल्चर की नजर हो गए, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती नजर आई। इसी तरह कई साल पहले शाहजेब नामी नौजवान को ताकत के जोर पर कत्ल किया गया, जिसके घर वाले अब भी इंसाफ के मुंतजर हैं, लेकिन अब तक इन्हें इंसाफ फरहम नहीं किया गया। कम उम्र के लड़के छोटी छोटी बातों को अना का मसला बनाकर ताकत का इस्तेमाल करते हैं, जिससे नुकसान सिर्फ आम शहरी को होता है। लेकिन इंतजामिया की जानिब से इस मसले के लिए ना तो कोई इकदामात उठाए गए हैं और ना इस हवाले से कोई सदेबाप किया गया है। इस बेलगाम होते गार्ड और गन कल्चर की रोकथाम के लिए जरूरी है कि हुकूमत बेहतर कानून साजी करे। वश न्यूज़ कराची।